नौ शकरकंद दे दें इन्हें, आपके घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, आपको चढ़ा हर कर्जा मिट जाएगा, आपके ऊपर चढ़ा हर मुसीबत टल जाएगा, आपके ऊपर किया गया तांत्रिक प्रयोग निष्फल हो जाएगा, आप सुख चैन का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे और मानसिक शांति आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी इस उपाय से। और पैसा तो बरसेगा ही, क्योंकि मानसिक शांति जिस घर में होती है उस घर के सदस्यों का दिमाग कमाने में लगता है और सारा परिवार मिलके कमाता है, जो बहुत तरक्की करता है। तो आज ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, नौ शकरकंद का उपाय आपके पाप ग्रहों की शांति करेगा। और क्या है वो पाप ग्रह, कैसे शांत होंगे, इसका पूरा विवरण आज के वीडियो में आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, बेहतरीन टॉपिक एंजॉय करने के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नौ शकरकंद का क्या प्रयोग है और आपको कैसे करना है। मित्रों, आपको लेनी है नौ शकरकंद, और छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोशिश करना कि छोटी बड़े साइज़ की हो लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो, ये एक बहुत बड़ी है, एक बहुत छोटी है, ऐसी नहीं लेनी है। मतलब समान रूप से साइज़ हो उनका, वैसी ही नौ शकरकंद आपको लेनी है। शकरकंद का प्रयोग आपको क्यों बता रही हूँ, मित्रों जो भूनने की प्रक्रिया होती है वो मंगल से जुड़ी हुई है। जब हम किसी भी चीज़ को रोस्ट करते हैं तो मंगल प्रभावी होता है, क्योंकि अग्नि तत्व उसमें यूज़ होता है। और मीठी चीज़ जो होती हैं वो भी मंगल को प्रिय हैं, मंगल की शांति करने में समर्थ होती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग टॉफियां किसी को देते हैं गिफ्ट में, या मीठी रोटी का दान करते हैं मंगलवार के दिन। ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मंगलवार को ही आपको करना है, किसी भी दिन आप करिए। मंगल की होरा का ध्यान रखिए, मंगल की होरा में करेंगे तो बहुत उत्तम है, मंगलवार को करेंगे तो भी बहुत उत्तम है। लेकिन अगर जो मैंने समस्याएं गिनाई हैं, अगर किसी भी समस्या इनमें से आपको परेशान कर रही है, उस समस्या का निवारण हो जाएगा इस उपाय से। तो नौ आपको लेनी है, नौ का अंक भी मंगल का है, ये चमत्कारी बात है कि नौ का अंक भी मंगल का है। शकरकंद जो लाल होती है वो भी मंगल का प्रतिरूप है, मीठा होना उसका वो मंगल का कारक है। और उसको रोस्ट करना और आपको रोस्ट करके देना, तो मंगल की सारी चीज़ों का शांति हो रही है इस प्रक्रिया से। आपको किन को देना है ये खास मुद्दा है, आप इन चीज़ों को सिक्योरिटी गार्ड को दे दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। या ब्रेवरी का कोई काम करते हैं उनको भी दे सकते हैं, मतलब सुरक्षा कर्मी को आप दे सकते हैं। और ये नौ शकरकंदी उनकी उनका पूरा परिवार जीम ले, ऐसी व्यवस्था करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि नौ शकरकंदी वो खा लें। अगर नहीं खाते हैं इन केस, तो आप लाल गाय को खिला दें। लाल गाय को खिलाने से भी उतना पुण्य ही आपको मिलेगा जितना किसी को अन्य को खिलाने से, क्योंकि लाल गाय भी मंगल का ही प्रतिरूप होती है। और लाल गाय की सेवा करें आप, लाल गाय की सेवा करने से आपको बहुत शांति मिलेगी और आपका हर काम बनने लगेगा, आपके घर में पैसा आएगा और आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा, आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े का नामो निशान मिट जाएगा। अगर आज छोटी छोटी बातों पे आपके घर में चिड़चिड़ापन रहता है, माहौल चिड़चिड़ा रहता है या गर्माहट हो जाती है, मतलब किसी भी तरह से गर्मा गर्मी हो जाती है, तो उससे भी निवारण आपको मिलेगा और आपके घर में शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। क्योंकि जो टोने टोटके होते हैं, तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, उसकी वजह से घर में झगड़े होते हैं। और आप ये लाल शकरकंद का दान करेंगे या किसी को देंगे या गाय को खिलाएंगे, तो आपको मंगल की पीड़ा शांत होगी, क्योंकि मंगल ही ऐसे लड़ाई झगड़ा का कारक होता है और मंगल को शांत करना ज़रूरी होता है। मंगल गुस्से का भी कारक है, मंगल प्रधान लोगों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, हालांकि वो दिल से कोमल होते हैं, दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ऊपरी तौर पर उनकी छवि लड़ाई झगड़े वाले लोगों की बन जाती है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करने में कंजूसी मत करना मित्रों, और ऐसी जानकारी सबसे शेयर करना जिससे सबका ब्लेसिंग्स आपको मिल सके और सबकी दुआ आपको मिल सके और आपके ज़रिए मुझे भी ब्लेसिंग्स और दुआ की प्राप्ति हो जाए मित्रों, हो जाए। क्योंकि शेयर करना आज के ज़माने में बहुत पुण्य का काम है, सबका भला चाहना पुण्य का काम है, तो पुण्य का काम करते रहना चाहिए, सबकी भलाई करते रहना चाहिए। आप मेरे YouTube पर वीडियो भी देख सकते हैं जो 5000 की संख्या में है, और उसके लिए आपको टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाते हैं जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।